हेलो किड्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। ओके, कल हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। कल मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं। उम्मीद है आप सभी ने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। तो आज हम आगे वाले लेटर्स हैं उनको लर्न करेंगे, सीखेंगे कि आगे के लेटर्स कैसे बनाते हैं। ओके, दिख रहा है आप सभी को? ये है ई फॉर एलिफेंट। क्या है? ई फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। अगेन ई फॉर एलिफेंट। इस तरीके से हम E फॉर एलिफेंट नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ओके, ये क्या है? E फॉर एलिफेंट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। F फॉर फिश। क्या है ये? F फॉर फिश। इसे क्या बोलते हैं? F फॉर फिश। वेरी गुड। अगेन F फॉर फिश। वेरी गुड। इस तरीके से F फॉर फिश हम नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? F फॉर फिश। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, G फॉर गर्ल। क्या है ये? G फॉर गर्ल। वेरी गुड। अगेन G फॉर गर्ल। वेरी नाइस। जिस तरीके से आपको सामने दिख रहा है G मैंने बनाया है, उस तरीके से हम G फॉर गर्ल नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? G फॉर गर्ल। ओके, नेक्स्ट H फॉर हैन। क्या है? H फॉर हैन। दिख रहा है आप सभी को? H फॉर हैन। ये जो मैंने पास में बनाया है, इस तरीके से हम नोटबुक में इसे बना सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्या है? H फॉर हैन। वेरी गुड। आज हमने क्या पढ़ा? E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गर्ल, H फॉर हैन। कल क्या पढ़ा था हमने? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। वापस रिपीट करेंगे कल के लेटर्स और आज के लेटर्स मिला के स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैन। वेरी गुड। इस तरीके से आपको ये बार बार बोलना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। एक बार फिर से बोलते हैं इसको। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल और एच फॉर हैन। वेरी गुड। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आगे के जो लेटर्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।